नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कालावली तहसील के कुरंगावाली गांव के किसान अजय दीप के साथ प्रशासन ने किया भद्दा मजाक। किसान को 40 क्विंटल सरसों बेचने का मैसेज दिया गया और वो भी एक दिन पहले। जब वह दूसरे दिन मार्केट में सरसों लेकर के गया तो वहां अधिकारियों ने केवल 32 किलोग्राम सरसों बेचने का ही पास दिया, यानी सरसों बेचने के लिए तथा मंडी में एंट्री करने के लिए गेट पास की आवश्यकता पड़ती है और उसमें वकायदा परमिशन के साथ सरसों का भार और गेट पास दोनों होते हैं। लेकिन जो अजय दीप को पास दिया गया उसमें केवल 32 किलोग्राम ही लिखा था। मंडी में मौजूद हेफेड की एजेंसी जो कि ये खरीदती है, उन्होंने 32 किलोग्राम खरीदने से भी मना कर दिया। किसान वहां से मायूस होकर ही नहीं लौटा बल्कि हैरान और परेशान भी था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 32 किलो का सरसों का पास आखिर उसे क्यों दिया गया और 40 क्विंटल सरसों वापिस उसे अपने घर ले जाने को कहा गया। किसानों के साथ इस प्रकार का धोखा ही नहीं बल्कि एक मजाक भी है। किसान तो वैसे ही खस्ता हालात है, ऊपर से लॉकडाउन की मार भी। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष। मेरा नाम अजयदीप है, मैं कुरंगावली का हैगा, बड्डा गोड़ा ते सिरसा जिले का। जो मेरे को तड़के कल फोन आया कि तुसी बड़े गोड़े मंडी च सरसों लेके आओ, 40 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लेके आनी। जो असी अज सुबह 40 क्विंटल सरों लेके गए, गाहां जाके जो गेट पास कटाया उत्थे जाके पता लगे कि असी सिर्फ 32 किलो ही बेच सकते हैं सरों, उस तो ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो जो असी गए उत्थे सारा कुछ पता किया, सानू किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, असी हैरान होए। जो असी मेरा ब्यौरा मेरी फसल तो कदम रजिस्ट्रेशन कराई सी 8 किलियां की, उदो सारा कुछ सही सीगा, साडे कोल A to Z प्रूफ है ये। तो जब असी सैकटरी नाल गल की कालियां गए, साडी उत्थे कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तो करोना वायरस का यही टाइम माड़े हालात देख के तो हैरान किसान हैरान होंदा रहा, तो फिर भी कोई हालात नहीं है साढ़े नाल। असी ट्राली वापस भी लेके आए, उत्थे घट्टो घट्ट 5-6 घंटे से हैरान होए। जो साडा कोई हल नहीं होया असी वापस घर आए आपदे, तो हुण असी A to Z अखबारों पर भी गल हुई। 32 किलो बेच के आए, 32 किलो सर बेच के आए असी J Farm A to Z साढ़े को प्रूफ भी है 32 किलो के। असी जो सरों साढ़े को 100-100 क्विंटल हैगी, असी 32 किलो बेच के असी किमें आपकी पूर्ति करांगे। सरकार कहती असी दाना दाना खरीदांगे, 32 किलो नाल किमें दाना दाना खरीदेंगे ये। मैं तो यही जोड़ता कि मेरे नूं इंसाफ मिलया जाए, इदू बाद मेरे कोई मंग नहीं। सारे वीर किसान भरा उन्होंने भी इंसाफ मिलना, सिर्फ 2-2, 3-3 क्विंटल ही खरीद रहे हैं हरेक किसान तो। 5-6 एकड़ तो ज़्यादा जमीन सी सरसों की, तो 32 किलो ही ले रहे हैं। मेरा नाम अजयदीप है, मैं कुरंगावली का हैगा, बड़ा गोड़ा तो सिरसा जिले का। जो मेरे को तड़के कल फोन आया कि तुसी बड़े गोड़े मंडी च सरसों लेके आओ, 40 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लेके आनी। जो असी अज सुबह 40 क्विंटल सरों लेके गए, गाहां जाके जो गेट पास कटाया उत्थे जाके पता लगे कि असी सिर्फ 32 किलो ही बेच सकते हैं सरों, उस तो ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो जो असी गए उत्थे सारा कुछ पता किया, सानू किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, असी हैरान होए। जो असी मेरा ब्यौरा मेरी फसल तो कदम रजिस्ट्रेशन कराई सी 8 किलियां की, उदो सारा कुछ सही सीगा, साढ़े कोल A to Z प्रूफ है ये। तो जब असी सैकटरी नाल गल की कालियां गए, साड़ी उत्थे कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तो करोना वायरस का यही टाइम माड़े हालात देख के तो हैरान किसान हैरान होंदा रहा, तो फिर भी कोई हालात नहीं है साढ़े नाल। असी ट्राली वापस भी लेके आए, उत्थे घट्टो घट्ट 5-6 घंटे से हैरान होए। जो साडा कोई हल नहीं होया असी वापस घर आए आपदे, तो हुण असी A to Z अखबारों पर भी गल हुई। 32 किलो बेच के आए, 32 किलो सर बेच के आए असी J Farm A to Z साढ़े को प्रूफ भी है 32 किलो के। असी जो सरों साढ़े को 100-100 क्विंटल हैगी, असी 32 किलो बेच के असी किमें आपकी पूर्ति करांगे। सरकार कहती असी दाना दाना खरीदांगे, 32 किलो नाल किमें दाना दाना खरीदेंगे ये। मैं तो यही जोड़ता कि मेरे नूं इंसाफ मिलया जाए, इदू बाद मेरे कोई मंग नहीं। सारे वीर किसान भरा उन्होंने भी इंसाफ मिलना, सिर्फ 2-2, 3-3 क्विंटल ही खरीद रहे हैं हरेक किसान तो। 5-6 एकड़ तो ज़्यादा जमीन सी सरसों की, तो 32 किलो ही ले रहे हैं। मेरा नाम अजयदीप है, मैं कुरंगावली का हैगा, बड़ा गोड़ा तो सिरसा जिले का। जो मेरे को तड़के कल फोन आया कि तुसी बड़े गोड़े मंडी च सरसों लेके आओ, 40 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लेके आनी। जो असी अज सुबह 40 क्विंटल सरों लेके गए,
ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕਟਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 32 ਕਿਲੋ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ A to Z ਪਰੂਫ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਟਾਈਮ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਆਪਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ A to Z ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। 32 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ? 32 ਕਿਲੋ ਸਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਫਾਰਮ A to Z ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 32 ਕਿਲੋ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100-100 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ 32 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, 32 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣਗੇ ਇਹ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ। ਸਿਰਫ 2-2, 3-3 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ। 5-6 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਰਸੋਂ ਦੀ, ਅਤੇ 32 ਕਿਲੋ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।